आज जीवा और इधा की पहली फ्लाइट है सुबह के 5 बजे। आप जानते हैं ना, बिग बॉस नहीं है वो, हमने फ्लाइट मिस कर दी। प्रेशर की वजह से कानों में काफी दर्द होती है। वैसे कभी सोचा नहीं था सड़क के किनारे खड़े होकर दूध बनाएंगे। अरे भाई, इतनी पतली कमर किसकी है? मेरी ऑफकोर्स। दो बिल्ली, दो बिल्ली, बिल्ली जी को चलो इधर नीनी के लिए। अच्छा मैं अभी लू नीनी। सो यू वांट टू टेल अस व्हाट्स हैपनिंग? या वेयर आर यू? या आई एम एट द एयरपोर्ट। हां, आई एम गोइंग टू फ्लाई एन एयरक्राफ्ट। चलो, सो लेट मी टेल यू व्हाट्स हैपनिंग। जैसा कि यू कैन टेल यू व्हाट्स हैपनिंग, वी गोना मिस द फ्लाइट। नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू मिस द फ्लाइट। आज जैसा यू कैन टेल दैट वी आर एट द एयरपोर्ट। आज जीवा और इधा की पहली फ्लाइट है और 3 महीने की हो गई है। सो हमारी पहली ट्रिप। सुबह के 5 बज रहे हैं, 6:30 बजे की फ्लाइट है। सुबह के 5 बजे। आप जानते हैं ना, बिग बॉस नहीं है। चेक इन करते हुए इतना टाइम लग गया कि अब एग्जैक्टली फ्लाइट के लिए 20 मिनट ही है और हमें अपने गेट तक पहुंचना है। हमसे ज्यादा जीवा और इधा का लगेज होता है। हर जगह छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजें थी, तो उसे सेटल करने में और बोर्डिंग पास वगैरह क्लियर करने में क्या होगा? वो हमने फ्लाइट मिस कर दी। नहीं, नॉट रियली, हमने कोई मिस नहीं की है। हम लेट हो गए। नहीं, फ्लाइट उड़ गई। अरे नहीं, वो सब रह गए। अब सही में ऐसा ना हो जाए। चलो सीधा सीधा गेट पर पहुंचे तो पता चला कि आधा घंटा फ्लाइट डिले है। इधा एंड जीवा, दे आर एज ऑफ नाउ स्लीपिंग। हमारा सबसे बड़ा एप्रीहेंशन जो है वो है इन्फेंट्स, स्पेशली फ्लाइट में बहुत ही अनकंफर्टेबल होते हैं। प्रेशर की वजह से उनके कानों में काफ़ी दर्द होती है, तो हमें इनके पीडियाट्रिशियन ने भी कहा था कि एक मेडिकेशन इनकी लेकर जाएं और हाफ एन आवर पहले यू कैन गिव देम दैट मेडिकेशन, इट विल हेल्प देम। बट हम ट्राई करना चाहते हैं कि विदाउट मेडिकेशन जो है ये अपनी पहली फ्लाइट ले पाएँ। तो मैंने कहीं सुना है कि अगर जैसे ही टेक ऑफ बच्चा अगर बॉटल पर सकल करना शुरू करे तो उससे कान का जो प्रेशर है वो रिलीज होता है और इन्हें इतनी दर्द नहीं होती है। सो फिंगर्स क्रॉस्ड। मुझे भी काफ़ी डर लग रहा है कि हाउ आर दे गोइंग टू रिएक्ट, विल दे बी कंफर्टेबल। सच बोलूं तो आज इनकी फ्लाइट है, नर्वस मैं ज़्यादा। इट्स वियर्ड, 7 बजे का बोर्डिंग टाइम बोलकर दे आर बोर्डिंग एट 6:30 ओनली और अब फाइनल कॉल के लिए दे आर अनाउंसिंग। सो इट्स क्वाइट प्रीटी कंफ्यूजिंग। छोटा सा मिनी वो बनाना पड़ेगा हमको। इनफाइनाइट मतलब? अच्छा, बहुत डिले हुई आज फ्लाइट। सारे बच्चे सुबह 2:30 बजे से एक्चुअली जगे हुए हैं, बट अल्टीमेटली जो हमें डर था कि कहीं इन्हें कानों में दर्द ना हो, वो नहीं हुई। सो आई एम रिलीव्ड, एक्चुअली वेरी वेरी रिलीव्ड। अभी होटल पहुंचे। वैसे बाय द वे हमने आपको बताया नहीं, पूरे सफर में हम जा कर रहे हैं, हम अपना पहला इधा और जीवा का फ्लाइट एक्सपीरियंस जो है उसके लिए हमने डेस्टिनेशन गोवा चूज किया, तो हम गोवा लैंड कर चुके हैं। अब होटल पहुंचने में कम से कम आधा घंटा 40 मिनट है, तो मुझे पता है कि ये अभी वेट नहीं करेंगे, तो इनके लिए दूध जो है हम ऑन द वे बना लेते हैं। हम इतने अच्छे बच्चे, हम लोग क्यों नहीं करेंगे, हंस रहे फुल ऑन हंसेगी, उसके बाद जैसी भूख लगेगी तो मतलब चिल्लाएगी। वैसे कभी सोचा नहीं था सड़क के किनारे खड़े होकर दूध बनाएंगे। बच्चों के साथ बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत ही कुछ ज्यादा हो गया। दूध बनाना तो इनका, ये तो खाना है, तो कहीं भी देना। मतलब गोवा यूज्ड टू बी लाइक ऐसे फ्लाइट लो, ऐसे होटल पहुंचो, एंड इट यूज्ड टू बी लाइक पार्टी, और अब यही तो असली पार्टी है। फ्लाइट पे चढ़ते चढ़ते टाइम, उतरते हुए टाइम, अब गाड़ी में यहाँ मतलब पार्किंग लॉट में खड़े हैं और दूध बना रहे हैं। अरे ऊपर वाले, गजब तेरी माया। चलिए, इधर जीवा का दूध रेडी है,
हम दूसरी गाड़ी में आ रहे हैं, ये लोग इस गाड़ी में जाएंगे और आधे घंटे में मैं और अम्मा घूमेंगे पूरा गोवा, तब तक जब तक तुम्हारी गाड़ी पहुँचेगी। नहीं, हम पीछे पीछे आ रहे हैं। ये पकड़ो ये पकड़ो ये पकड़ो ये पकड़ो, इधर की है ये बोतल। हाँ हाँ, एक सेकंड, ये लीजिए जीवा का दूध रेडी, ये इधा का। वैसे इधा भी उसमें वो रैप में है ना, तो उसको नींद आ गई है, बट फिर भी लाओ मेरा मेरा पर्स, मोबाइल और मेरा कहाँ का मोबाइल, इसका वो देना कवर देना दूध का, मेरा मोबाइल कहाँ होगा। चलो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं। I do have your phone. Wow. Or it's empty. No, that's what I like. The beach ka color, sand ka rang hai. Haan. Maza aayega. Maza aayega? Yahan kaun aaya pehli baar? Hain? Manisha, tum aayi ho pehli baar? Ab dekho. Beach. Beach pe. Bhains ki sawari karni hai. Bhains bhi hai beach pe? Bhains ki sawari karni hai. Are nahi, ye to hai. Bhains hai mamma. Paise dete hain upar baithne. Iske baithne. ये एक्सेस है ना अपने को बीच के लिए, बीच के लिए मैम यहाँ से सामने से जो पाथवे आगे जाता है ना वो रास्ता हमने। अच्छा ओके, सो देयर इज ओनली वन गेट जस्ट बिकॉज़ ऑफ द सिक्योरिटी रीजन। और ये ऐसे ही मतलब खाली रहता है ना? हाँ, यहाँ पे साउथ गोवा में आपको क्राउड नहीं मिलेगा। एंड द अदर वन, द अदर वन इज ऑन द अदर साइड। This is good. Breakfast with the view. So you're gonna have your breakfast and sleep now? Looks like. आज का ब्लॉग यही समाप्त करते हैं। पहली बार मेरा ब्लॉग ब्रेकफास्ट पे एंड हो रहा है, क्योंकि आधी रात को जर्नी स्टार्ट। हाँ, हमारी 2 बजे से जर्नी स्टार्ट हुई है। अब हम इस ब्लॉग को यहाँ 11 बजे समाप्त करते हैं ब्रेकफास्ट के साथ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टेक केयर, बाय बाय।